ये जो यातायात वाला भी है, ये तो सभी लगाएंगे, ये अपना कांग्रेस तो क्या अपना वोट दे रही है, ये तो आदमियों की मृत्यु दर है एक्सीडेंट से बढ़ती जा रही है और इसका पुलिस में रिकॉर्ड है, हर प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। अभी भी हमारे पास आप भी सुनते हो कि दो मोटरसाइकिल वाले आपस में मिले, एक की मौत, वो मौत होने के कारण हेलमेट नहीं, हेलमेट पर सकता ही नहीं है। अब हेलमेट बिना पकड़े इस पर दंड लगेगा, अब जैसे 1000 रुपये लगेंगे या 100 रुपये का चलान था, शराब पी करके चलाते एक्सीडेंट होता था, रात को शराब पिया होता, अब नहीं तो इसको कोई सहायता मिल सकती सरकारी, नियमों में नहीं आता, अब उस नियमों में चलेगा तो उसको मृत्यु हो भी गई तो भी हो रही है, तो बहुत अच्छा है। मृत्यु तो बढ़ने के लिए रोकने के लिए आज नए नए जवान युवा वर्ग है सबको, जब जो इसकी भी मृत्यु होती है उसमें जब पकड़ा जाता है या तो गाड़ी का लाइसेंस नहीं मिलता कुछ, या कोई शराब पिया हुआ है, या हेलमेट नहीं लगा रहा है, या नियमों के विरुद्ध चल रहा है, गलत लाइसेंस दे दिए, लाइसेंस से गाड़ी चलाने को जाती नहीं, लाइसेंस बना लिया, ऐसा चल रहा है। अब इसमें क्या कि पूरी ट्रेनिंग होगी, पहले लाइसेंस के लिए वो ट्रेड बनेंगे उसमें चलाएगा, फिर इनको क्या नाम कंप्यूटर के अंदर उसकी परीक्षा होगी, कंप्यूटर लाइसेंस देगा, व्यक्ति नहीं देगा, कंप्यूटर देगा, कंप्यूटर ने ओके कर दिया कि सही है तो लाइसेंस बनेगा। अब आप देख ही लीजिए भारत का एक व्यक्ति है वो तीन दिन लाइसेंस लिया घूम रहा है, मुंबई में अलग बना लिया, पुरी में अलग बना लिया, दुनिया में अलग बना रखा है, कंप्यूटर से तो पड़ेगा लाइसेंस तो यही बना पाएगा, ये एक्सीडेंट रोकने के लिए है, ये हमारी मानसिकता को ठीक करने का। आप खुद ही देख लीजिए शाम को आप रात को सड़क पर निकलते हो, आधे लोग शराब पीए घूमते हैं, शराब पीए घूमेगा नहीं, शराब पीए घूमेगा जेल में जाएगा 10,000 रुपये गारंटी है। इस सरकार को तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ये तो जबरदस्ती करे लोग तो छवाड़ा ना हाल वो बात है, ये तो अच्छे काम नियम में तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी कौन सी पार्टी हो, तो नियमों की पालना तो सबको अपने को भी करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए पालना। आप इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में व्यवस्था लागू? अब देखो पंचायत राज के चुनाव होते हैं, हम क्या प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या प्रयास हो रहा है आप देख रहे हो, अब 370 धारा तक हट गई, 35 ये हट गया, आगे इनके मध्य प्रदेश में जहाँ भी सरकार चल रही है वो सारी छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, यहाँ का भी देखो पंचायत राज के चुनाव हो जाते हैं, हरियाणा के चुनाव हो जाते हैं, इसके बाद क्या होता है आपको पता, 66,000 रुपये मोदी जी ने किसानों को दिए थे, 2,000 की 3 किस्त इन्होंने सरकार ने लेट करी, पहले सूची नहीं भेजी, अब जनता को पता चला कि 6,000 रुपये हमारे जा रहे हैं तो इनको सूची देनी भी पड़ी, लेट हो गए किसान, उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आज यदि चुनाव हो जाए तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आएंगी, तो आपका मानना है कि राजस्थान में भी लागू? हमने तो लागू किया ही है, मैं तो पता है पूरी बातों का, जब हमने नियम पास किया, विधेयक पास किया है, मैं तो सर चीज का बहस करके पास हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी सब ने मिल करके किया है, इसको तो सब ने समर्थन दिया है, कांग्रेस वालों ने वहाँ समर्थन दे रहे हैं, ये बड़ी मूर्खता की यार अपने लिए सोचने का विषय है कि वहाँ कांग्रेस दिल्ली में समर्थन दे रही है इसी विधेयक को और यहाँ कांग्रेस इसको लागू नहीं कर रही है, एक सोचनीय विषय। और आप ये सांसद बनने के बाद में झुंझुनू के अंदर ऐसा क्या विकास डेवलप कर रहे हैं? अभी बने हैं, अभी योजनाएं आई हैं, लागू पड़ी है, अभी हमारी जैसे ट्रेन है दिल्ली से जबलपुर सीकर चलने वाली है, हावड़ा तक वहाँ तक जा रही है, अब आगे दिल्ली 4 किलोमीटर और है वो चलेगी और फिर प्रतिदिन चलेगी, हम कृषि विज्ञान केंद्र जैसे हमारी एक ही है दूसरा और खोलेंगे, कृषि कॉलेज खोलना है गाँव में, जैसे भाई साहब ये कह रहे थे जैसे शौचालय है, विकास करना है, स्वच्छता अभियान है, मोदी जी के लिए पेंशन इनके लिए देने हैं, आप ये जैसे ये नियम बता रहे हो ये भी है, और भी बहुत से नियम है मानसिक रूप से, मतलब देश को कितना आगे मोदी जी ले जा रहे हैं, क्योंकि सारी योजनाओं को मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है उनको जल्दी हम शीघ्र गाँव में ज़्यादा करके योजनाओं को उतारेंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। आपके द्वारा झुंझुनू में कोई विशेष? मेरे द्वारा कोई अलग से सरकार है, भारत सरकार में आते हैं, आपके भारत सरकार में जो नियम लागू होता है वो हमें लागू करते हैं, आपकी कोई प्रयासों से जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी लाने का? यूनिवर्सिटी तो हमारे पास बहुत हैं, आपको ध्यान नहीं है झुंझुनू जिले में कितनी यूनिवर्सिटी चलती है, JJT यूनिवर्सिटी इधर सिंगानिया यूनिवर्सिटी चल रही है, बिलानी में अलग बिरला का अलग चलता बिलानी, शिक्षा में तो झुंझुनू सबसे आगे, आज आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, मैं भारत के लिए नहीं कह रहा, विश्व के कहीं कोने में चले जाओ, भारत का कोई ना कोई झुंझुनू मिलेगा, उसमें कोई कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा। आज आप देख रहे हो विदेशों में भारत के उपराष्ट्रपति वो गवर्नर तक बने हैं दिल्ली के, उनको पूछा जाए कि वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका जुड़ा स्थान पहले राजस्थान है भारत के लिए,